खबर देवास से है। आज स्थानीय कांग्रेस कार्यालय जवाहर चौक पर युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ के नेतृत्व में बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल के बयान का विरोध करते हुए सांसद सुनीता दुग्गल की फोटो पर कांग्रेस नेत्रियों रेखा वर्मा, वंदना पांडे, ललीना सारोलिया एवं साधना प्रजापति के द्वारा गोबर फेंका गया। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और LPG सिलेंडर की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की कमर तोड़ कर रखी है और महंगाई की मार से बचने के लिए अब बीजेपी की एक महिला सांसद ने लोगों को आत्मनिर्भर होने का सुझाव दिया। बीजेपी सांसद ने कहा कि गोबर से चूल्हा जलाकर आत्मनिर्भर बनो, सिलेंडर चाहे जितना महंगा हो जाए फर्क नहीं पड़ेगा। ये आइडिया हरियाणा के सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने दिया। दुग्गल कहती है कि माननीय प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। क्या है आत्मनिर्भर भारत? अरे अपने गाँव के गोबर से घर का चूल्हा जलाओ, हो गया आत्मनिर्भर। अब सिलेंडर चाहे 1000 का हो या 2000 का फर्क नहीं पड़ना। गौड़ ने कहा कि अगर गोबर से चूल्हा जलाकर हमारा देश आत्मनिर्भर बनने वाला है तो माननीय प्रधानमंत्री क्यों करोड़ों अरबों रुपए प्रधानमंत्री उज्ज्वला ज्योति योजना पर किस लिए खर्च कर रहे हैं? मोहतरमा का क्या कहना चाहती हैं, ये बड़ा सवाल है। मोदी जी बोलते हैं महिलाओं को चूल्हे से छुटकारा दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना लेकर आए हैं और आप वापस चूल्हा जलाने को बोल रही हैं। भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल ने जो परसों विवादित बयान दिया है कि जनता गोबर से कंडे बनाए और कंडे से गैस बनाए, तो आप ये बताइए कि अगर कंडे से गैस बनानी है तो जो देश में उज्ज्वला योजना चल रही है क्या वो बंद कर दें? और ऐसा ही है तो सभी जनता को आप कंडे भेज करें और उससे ही गैस बना लें। किस प्रकार का प्रदर्शन किया गया आपके द्वारा? आज सुनीता दुग्गल को आज युवक कांग्रेस और महिला साथियों द्वारा सुनीता दुग्गल के पोस्टर पर गोबर मारकर उनका सम्मान किया। ठीक है, आपका नाम? आपका नाम जितेंद्र सिंह गौड़, युवक कांग्रेस जिला।